हेलो दोस्तों, मैं हर रोज की तरह आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है दोस्तों। मैंने पहले भी आपको YouTube से रिलेटेड वीडियोस दिए हैं, मैं पहले भी बहुत सारे YouTube से रिलेटेड वीडियोस दे चुका हूँ और मैं हमेशा देता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसा चीज जो मुझे पता है और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसे चीजों को सेलेक्ट करके आपके सामने लाता रहता हूँ। अगर मेरे इससे पहले के जो YouTube रिलेटेड वीडियो थे अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों, तो अभी आई बटन को क्लिक कर दीजिए, इस साइड है आई बटन को क्लिक कर दीजिए और जो है उन वीडियोज को देख लीजिए। मैंने उनमें सिखाया है कि आप आई कार्ड कैसे सेट कर सकते हैं, आप एंड स्क्रीन कैसे सेट कर सकते हैं, आप जो है अपने लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जो कॉपीराइट फ्री है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया दोस्तों। और मैं आज YouTube से रिलेटेड ही कुछ और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपने देखा होगा अक्सर, आप वीडियोस जब YouTube पर देखते हैं तो देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो उस जिसके आप जिस यूट्यूबर का आप वीडियो देख रहे हैं उसके मैक्सिमम वीडियोस में वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है। जैसे कि डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड प्रेस द बेल बटन, ये सब जो है ये कॉमन, जैसे फेसबुक का एड्रेस दिया रहता है, इंस्टाग्राम का दिया रहता है, तो ये कॉमन सी चीजें होती है जो हर वीडियोज में सेम होती है दोस्तों। तो इन चीजों को बार बार हमें लिखना होता है जब भी हम क्या करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन चीज है जो हर वीडियो में आपको लगाना होता है, जिसे आप लिखना पड़ता है, हर वीडियो में आपको उसे टाइप करना होता है, ऐसी चीजों को आप डिफॉल्ट के तौर पर रख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, उसे आप सेव करके रख सकते हैं। जब आप उसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना चाहे तो आप उसे आप वहां पर पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये हम कैसे कर सकते हैं YouTube के अंदर ही दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। और एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बजा दीजिए बेल आइकन, क्योंकि यहां पर मैं देता रहता हूं YouTube रिलेटेड वीडियोस और भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन को सेव दोस्तों। कैसे हम ऐसा डिस्क्रिप्शन लिख के रखें जिसे हमें बार बार लिखना ना पड़े और वो वीडियो में हम उसे लगा सके, उसे यूज़ कर सके। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हमें बार बार लिखना होता है उसमें से हम आज एक वीडियो में ये लिख दिया तो दूसरे वीडियो में कभी कुछ भूल जाते हैं अगर हमने उसको कहीं लिख करके नहीं रखा है। तो दोस्तों इसको आप सेव करके रख सकते हैं जो आपको हर वीडियोज़ में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि होता है मैं जैसे कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा रहेगा फेसबुक, ये डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, ये सब जो लिखा रहता है, फेसबुक का अकाउंट के डिटेल्स दिए रहते हैं और इंस्टाग्राम के डिटेल्स रहते हैं, तो वो जो होता है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसको हर वीडियो में सेव करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उसको करना बहुत ही इजी है। उसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा गूगल क्रोम, जिससे हमारा अकाउंट खुला हुआ है यूट्यूब पर, जिससे अकाउंट है। उसके बाद उसे खोलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने वाला है आपको, अगर आपने उसको डेस्कटॉप साइट पर लेके रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए इस तरह का इंटरफेस वहाँ पर रहेगा, आपके सारे वीडियोज़ वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये क्रिएटर स्टूडियो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पर नज़र डालेंगे तो एक साइड में लिखा हुआ है जहाँ पे YouTube लिखा हुआ है ऊपर, उसके नीचे देखिए क्रिएटर स्टूडियो, ट्राई स्टूडियो, बेटा, डैशबोर्ड, वीडियो मैनेजर, लाइव स्ट्रीमिंग, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जो है आपने कर देना है चैनल में क्लिक दोस्तों। तो जैसे ही आप चैनल में क्लिक करेंगे तो एक नया कुछ खुल करके आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा देखिए एडीज एम्पायर पार्टनर वेरीफाइड, यहाँ में मेरा सब कुछ नज़र आ रहा है। तो उसी साइड में देखिए जिसमें एक जो है रेड बॉक्स के अंदर में वाइट से लिखा हुआ है स्टेटस एंड फीचर्स, उसके नीचे चले जाइए, आप देखिए मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है, उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट से दोस्तों। तो आपने अपलोड डिफॉल्ट में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड डिफॉल्ट में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का खुल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो मेरा डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन पहले से ही। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसे वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है और इसमें जो
पूछा गया है उसे इसको कर देना है सेव दोस्तों। तो जैसे आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपके जो है उसमें सेव हो जाएगा और ये परमानेंटली रह जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसको वीडियो में आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसे वीडियो में यूज़ कर लीजिए। तो देखिए कितना ईजी है दोस्तों इसको करना, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसे करना नहीं जानते दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि इसे कैसे करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अभी मैं चलता हूँ दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बजा दीजिए बैल, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।